दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेवाड़ हिस्ट्री का प्रीवियस हिस्सा नहीं देखा तो सही से समझने के लिए वह पहले देख लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। राणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी सन। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ तथा सांगा 1509 ईस्वी सन में मेवाड़ का शासक बना। महाराणा सांगा को हिंदूपत व सैनिकों का भग्नावशेष नामों से जाना जाता है। महाराणा सांगा राजस्थान का अंतिम हिंदू राजा था, जिसके सेनापतित्व में पूरे राजपूतों ने मुगलों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास किया। खतौली का युद्ध। राणा सांगा ने 1517 में खातौली बूंदी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। बाड़ी का युद्ध। राणा सांगा ने 1518 में बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को फिर से परास्त किया। गागरोन का युद्ध। राणा सांगा ने 1519 में गागरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। बयाना का युद्ध। 16 फरवरी 1527 ईस्वी सन में हुए बयाना के युद्ध में सांगा के सैनिकों ने बाबर के सैनिकों और दुर्ग रक्षक बाबर का बहनोई मेहंदी ख्वाजा को हराकर बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। खानवा का युद्ध। यह युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के मध्य 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा बाबर से पराजित हो गया। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया। इस युद्ध में सांगा ने पाती पेरवन प्रथा का प्रयोग किया, जिसके तहत इसमें राजस्थान के 7 राजा, 9 राव तथा 104 सामंत शामिल हुए। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, जिसमें उनकी सेना के पास तोपें एवं बंदूकें थी। युद्ध में सांगा के सिर पर एक तीर लगा, जिससे सांगा घायल हो गए थे। उन्होंने अपना राजचिन्ह एवं हाथी सादली के झाला अज्जा को दे दिए एवं युद्ध का मैदान छोड़कर बसवा गांव पहुंच गए। बसवा में सांगा का चबूतरा बना हुआ है। सांगा को कालपी नामक स्थान पर साथियों ने जहर देकर 30 जनवरी 1528 ईस्वी सन को मार दिया। महाराणा सांगा का दाह संस्कार मांडलगढ़ में किया गया, जहां इसकी छतरी बनी हुई है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी व हसन खां मेवाती दो अफगानों को शरण दी थी। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेगा, तब तक चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा। विक्रमादित्य। विक्रमादित्य छोटी उम्र में राजा बना, जिस कारण राजकार्य का संचालन इनकी माता हाडारानी कर्मावती करती थी। विक्रमादित्य के शासनकाल में 1533 ईस्वी सन में गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया, लेकिन हाडारानी कर्मावती ने संधि कर ली, जिससे बहादुर शाह वापस चला गया। 1534 ईस्वी सन में गुजरात के बहादुर शाह ने फिर से आक्रमण किया। हाडारानी कर्मावती ने बादशाह हुमायूं से सहायता के लिए राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं की समय पर मदद न मिलने के कारण विक्रमादित्य व उदय सिंह को ननिहाल बूंदी भेज दिया गया। हाडारानी कर्मावती ने दुर्ग की जिम्मेदारी देवलिया के बागसिंह को सौंपी। देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बागसिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने युद्ध किया व लड़ते हुए मारे गए तथा हाडारानी कर्मावती ने 1200 महिलाओं के साथ जौहर किया। यह चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका था। पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पूतलदे के पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की 1536 ईस्वी सन को हत्या कर दी, लेकिन उदय सिंह को स्वामीभक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बचा लिया और उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ चली गई। वहां के किलेदार आशा देवपुरा ने उन्हें अपने पास रखा। तो इस वीडियो में यही तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।